नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबर, खबरें देखते हैं गांव की। कटिहार के मनिहारी प्रखंड में पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद पर दो मासूम बच्चों की मां ने गंगा में कूदकर जान देने की कोशिश की। प्रशासन गोताखोरों की मदद से महिला की गंगा नदी में तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक महिला की कोई खबर नहीं मिली। कटिहार के बरारी प्रखंड शिशिया और सकरौली में प्रधानमंत्री संपर्क योजना के तहत 2,25,00,000 की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। सड़क का शिलान्यास विधायक नीरज कुमार ने किया, इसके बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। कटिहार के फलका प्रखंड में पुलिस ने 16 जगहों पर छापेमारी करते हुए 60 लीटर देशी शराब बरामद की। पुलिस ने सभी शराब को स्थानीय थाना परिसर के गड्ढे में दफन कर दिया। कटिहार के प्राणपुर प्रखंड में आदिवासी समुदाय के शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगारी से बेहद परेशान है। आलम यह हो गया है कि चूहा मारकर जिंदगी गुजर बसर कराने को मजबूर है। कटिहार के हसनगंज अंचल में राजस्व कर्मचारी और अंचल नाजीर के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कर्मचारियों के सम्मान के लिए सभी कर्मियों के साथ मिलकर सीओ अजय कुमार ने रिटायर्ड कर्मी को उपहार भेंट कर सम्मानित किया। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के दो गांवों के मजदूर सीमांचल एक्सप्रेस रेल हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ग्रामीण मजदूरों के लिए दिल्ली जा रहे थे मजदूरी के लिए, जिनकी हालत अब बेहद नाजुक बताई जा रही है। कटिहार के बारसोई अनुमंडल परिसर में 3 पंचायतों में विकास काम को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान स्थानीय मुखिया भी धरना में शामिल हुए और एसडीएम बारसोई को ज्ञापन सौंपा। कटिहार में आजम नगर प्रखंड के महानंदा नदी घाट पर मिट्टी माफिया लगातार मिट्टी काट रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन विभाग के साथ मिट्टी माफियाओं की साठगांठ है, जिसकी वजह से खनन विभाग मामले की अनदेखी कर रहा है। कटिहार में अहमदाबाद प्रखंड के 9 एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन को पुलिस और प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया। स्थानीय प्रशासन ने भूमिहीन और विस्थापित 178 परिवारों को पुनः बसाया है और कब्जेदारों को प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी। कटिहार में कोड़ा प्रखंड के चापी में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया, इसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कटिहार में मनसाही प्रखंड के भफलागंज में एक मजदूर ईंट भट्टा की ईंट मशीन क्रेशर में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई है, इसके बाद पीड़ित परिवार भट्टा मालिक से मुआवजे की मांग कर रहा है। कटिहार में कुर्सेला प्रखंड की कोसी पुल पर गुटका लगाकर भारी वाहनों का परिचालन जैसे ही शुरू हुआ, पुल फिर से धस गया। पुल धसने के बाद से भारी वाहनों के आवागमन पर कुछ देर के लिए रोक लगा दी गई है और सभी वाहनों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। कटिहार में फलका प्रखंड इलाके के मोरसंडा गांव में खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगने से दोनों घर जलकर खाक हो गए, इसमें एक महिला बुरी तरीके से झुलस गई है। बेतिया के चनपटिया में रिक्शा तांगा मजदूरों का सम्मेलन हुआ, जिसमें क्षेत्र के सभी मजदूरों ने भाग लिया। बेतिया के सिकता रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की काफी कमी है, आलम यह है कि स्टेशन पर शौचालय तक नहीं। नौतन प्रखंड के विशंभरपुर गांव के ग्रामीणों ने स्कूल के लिए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में उनके बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है। चनपटिया में रेडियंट पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया।
बेतिया के सिकटा में गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम गांव गांव जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। नरकटियागंज की शिकारपुर थाने ने मतियारिया गांव फरार वारंटी के घर पुलिस ने पहुंचकर कुर्की जब्ती की। चनपटिया स्टेशन के पास वार्ड नंबर 11 में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में रखे पुआल में आग लगा दी, जिससे करीब 15 ट्रेलर से ज्यादा पुआल जलकर खाक हो गया। बेतिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 लाख जाली नोट के साथ बंगाल के तस्कर को गिरफ्तार किया। बेतिया के मैनाटांड प्रखंड में 62 परिवारों को नया राशन कार्ड वितरित किया गया है, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी है। बेतिया के नौतन में जीविका दीदी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देने वाली हैं। इसे लेकर प्रखंड की सभी जीविका दीदियां बैठक कर रणनीति तैयार कर रही हैं। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अध्यक्ष कामख्या नारायण सिंह का तबादला, रोहतास जिला और बख्तियारपुर थाना इलाके के अध्यक्ष मोहम्मद दीवान इकराम खान का तबादला नवादा कर दिया गया। बाढ़ प्रखंड के जलगोविंद गांव के पास सीमेंट से लदा हुआ ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसकी वजह से करीब 18 घंटे से भी ज्यादा वक्त NH31 जाम रहा। हाजीपुर में हुए रेल हादसे में मारे गए लोगों के लिए बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से RJD के नेता मधु सिंह ने सरकार से ज्यादा मुआवजा देने की मांग की। बख्तियारपुर बाजार में उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने सड़क पर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। बाढ़ में पुलिस गश्ती की गाड़ी को देखकर एक बाइक सवार बाइक छोड़कर फरार हो गया, इसके बाद पुलिस ने बाइक की घेराबंदी करते हुए बाइक सवार को पकड़ लिया। पंडारक प्रखंड में जन वितरण दुकानदारों को लेट से अनाज वितरित किया जा रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर स्थानीय उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ रहा है। 9 फरवरी को पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा पंचायत में जल संसाधन मंत्री ललन सिंह इलाके का दौरा करने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बाढ़ में मोकामा थाना इलाके के कैथोलिक चर्च में हर साल की तरह इस साल भी फरवरी के पहले रविवार को माता मरियम का मेला आयोजित किया जाएगा। बाढ़ में बेलची प्रखंड के सुदूर इलाके में धान की उपज की खरीदारी सरकारी स्तर पर नहीं हो रही है, जिससे किसान बेहद परेशान है। गांव में अनाज माफिया किसानों के धान की फसल औने पौने दाम में खरीद रहे हैं, जिसे लेकर किसानों ने बिचौलिए के चक्कर से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। बाढ़ में दुकानदारों ने लगातार विभिन्न पार्टी और सामाजिक संगठनों के भारत बंद की घोषणा से नाराजगी जाहिर की है। बाढ़ में शक सोहरा बाजार के महंत राम नारायण पुरी ट्रेन 10+2 उच्च विद्यालय में स्थापित महंत जी की प्रतिमा के ऊपर विद्यालय प्रबंधन के आदेश पाल के परिवार ने गंदा पानी फेंक दिया। महंत की प्रतिमा पर गंदा पानी फेंकने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। नालंदा में पुराने धरोहरों को खोजकर संरक्षित करने के लिए हेरिटेज वॉक निकाला गया। नालंदा में BMP के एक जवान के खिलाफ एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। नालंदा में बिंद थाना इलाके के ताजनीपुर गांव में मकान का छज्जा गिरने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए बिहार शरीफ रेफर कर दिया गया। नालंदा में बिहार थाना इलाके के गढ़पुर पाकुड़ में शौचालय टंकी निर्माण के विरोध पर दर्जनों बदमाशों ने मोहल्ले वासियों पर हमला कर दिया। बदमाशों ने फायरिंग करते हुए लोगों पर पत्थरबाजी की और महिलाओं के साथ बदसलूकी की। बिहार शरीफ के सीता शरण मेमोरियल स्कूल भतहर के 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं को विद्यार्थियों ने विदाई दी। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में सवर्ण एकता मंच की तरफ से सवर्ण चेतना समागम का आयोजन किया गया। बिहार थाना परिसर में सूबे के पहले बाल मित्र थाने का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र और SP सुधीर कुमार ने किया। नालंदा में नवविवाहिता की हत्या के बाद आक्रोशित परिवार वालों ने अस्पताल चौक पर शव को लेकर सड़क जाम कर दिया और उग्र प्रदर्शन किया। नवविवाहिता की हत्या करने के बाद शव को फेंक दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद दहेज हत्या का खुलासा हुआ।
बीपीएससी की परीक्षा में बिहार शरीफ की अंजलि कुमारी ने अपना परचम फहराया है। 463वां रैंक लाकर रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर वो सिलेक्ट हुई। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड इलाके में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत घटिया सामग्री से सड़क निर्माण कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के भोजहा प्रखंड में चिकन पॉक्स ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर में मुरौल बीआरसी भवन पर बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ ने सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के दुबहा गांव में घटिया पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के टिहली गांव में बनी पुल में दरार आ गई है, जिसके बाद फिर से पुल निर्माण कराने का आदेश दिया गया। मुजफ्फरपुर में मुरौल प्रखंड के पंचायत सरकार भवन में बाबा चौहरमल जयंती मनाने के लिए बैठक हुई। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में न्यू टाइगर फुटबॉल मैच 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए। बेगूसराय में पंचायत विकास संगम समिति राटन की तरफ से एक कदम स्वच्छता की ओर कार्यक्रम चलाया गया। बेगूसराय में अग्निकांडों की रोकथाम के लिए वीरपुर थाने को एक अग्निशमन गाड़ी उपलब्ध कराई गई। बेगूसराय में 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बेगूसराय के उलाभ हवाई अड्डे का जायजा लिया। बेगूसराय में बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से तेघरा नगर और ग्रामीण मंडल के किसानों सहित पत्रकारों को सम्मानित किया गया। दरभंगा सदर थाना इलाके के सारा मोहम्मद पंचायत में अज्ञात हमलावरों ने उप सरपंच अशोक कुमार यादव पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें अशोक कुमार बुरी तरीके से घायल हो गए। बेनीपुर प्रखंड के नवादा भगवती स्थान भूतनाथ पोहद्दी इब्राहिमपुर के मंदिरों में नरक निर्वाण निवारण चतुर्दशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर विशेष पूजा अर्चना की। दरभंगा में कमतौल थाना इलाके के प्राथमिक विद्यालय उसरा का औचक निरीक्षण जाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अहिल्या कुमारी ने किया। कमतौल थाना परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व थाना प्रभारी धर्मपाल को विदाई दी गई। केवटी प्रखंड मुख्यालय के आसपास झपट्टा मार गिरोह के उपद्रव से इलाके में दहशत का माहौल है। कुशेश्वर स्थान प्रखंड में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में सैकड़ों बच्चों को खसरा रुबेला का इंजेक्शन दिया गया। जिला दरभंगा में नए एसएसपी बाबूराम का स्वागत किया गया। मौके पर एसएसपी ने जिले को अपराध मुक्त बनाने की बात की। केवटी प्रखंड में नया गांव क्रिकेट क्लब की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद की सदस्य समीउल्लाह खान शमीम ने किया। केवटी के पैगंबरपुर में बंबई इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ किया गया, जिसमें तकनीक के आधार पर पढ़ाई होगी। दरभंगा में मिल्लत कॉलेज के सभागार में पत्रकारों ने डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की विदाई के लिए समारोह का आयोजन किया। केवटी में सड़क किनारे नकाबपोश बाइक सवारों ने हाथ से झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ दरभंगा की तरफ से डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को मिथिला पेंटिंग्स दी गई। केवटी पंचायत के पूर्व सरपंच मनोज गुप्ता की पत्नी का निधन हो गया, जिससे पंचायत में शोक की लहर है। फारबिसगंज के भरगामा के खुटहा बैद्यनाथपुर पैक्स में राइस मिल का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में रानीगंज विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। फारबिसगंज के गांधी फील्ड में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब की तरफ से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फारबिसगंज के खवासपुर में बीजेपी की तरफ से जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। फारबिसगंज में सुनसरी के बाराह क्षेत्र में 10 फरवरी से होने जा रहे महायज्ञ का उद्घाटन नेपाल के राष्ट्रपति करेंगे। फारबिसगंज के अररहा में बिजली की व्यवस्था को लेकर पीपुल्स पावर के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग का पुतला फूंका। बगहा टू प्रखंड के नौरंगिया भजनी कुट्टी के पास श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
बगहा एक प्रखंड के बीबी बनकटवा में वार्ड नंबर 4 और 14 में ग्रामीणों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा। बगहा टू प्रखंड के नरई पर तिरुपति चीनी मिल में एक कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बगहा टू प्रखंड के नारायणपुर सिविल कोर्ट परिसर में हुए वाहन चोरी के मामले में वकीलों ने अपनी नाराजगी जताई है। बगहा एक प्रखंड के बनकटवा महिला कॉलेज में इंटर परीक्षा की तैयारी को लेकर केंद्र अधीक्षक पंडित भरत उपाध्याय ने केंद्र का निरीक्षण किया। बगहा टू प्रखंड के गरकट्टी बैरिया खुर्द और देवरिया में 3 पुलिया और सड़क निर्माण की आधारशिला रखी गई। बगहा टू प्रखंड के वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी संगम तट पर माघ मेले के मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बगहा के रामनगर प्रखंड में विजय जायसवाल अपहरण कांड मामले में पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बगहा के रामनगर प्रखंड के हरदिया में नाली विवाद को लेकर साधु राय की दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बगहा एक प्रखंड के रतनमाला में NH 727 पर बस पलट गई, जिसमें 1 दर्जन लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। मोतिहारी में 4 दिवसीय बसंत पंचमी मेले को लेकर पदाधिकारियों ने अहम बैठक की। रक्सौल के आरजेडी नेता रवि मस्करा के नेतृत्व में 7 फरवरी को होने वाले आंदोलन को लेकर बैठक हुई। मोतिहारी के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत निजी विद्यालयों के प्रतिभागी छात्रों के बीच पुरस्कार बांटे गए। रक्सौल DSP संजय कुमार झा ने अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की। मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बिहार सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। रक्सौल शहर के स्टेशन रोड में एक ई रिक्शा संतुलन खोकर गहरे नाले में गिर गई। रक्सौल कस्टम ने कस्टम आयुक्त पटना की सूचना पर रक्सौल शहर के ब्लॉक रोड में छापेमारी कर 19 बैग काली मिर्च को जब्त किया। मोतिहारी में इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर SDM धीरेन्द्र मिश्र और TSP अजय मिश्र ने परीक्षा केंद्र के प्राचार्य के साथ बैठक की। विक्रम के नौबतपुर नगर पंचायत कार्यालय में नगर विकास और आवास विभाग बिहार के निर्देशानुसार शहरी समृद्धि उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विश्व कैंसर दिवस पर शेखपुरा सदर अस्पताल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंटर परीक्षा को लेकर शेखपुरा के टाउन हॉल में वीक्षक के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर निर्देश दिए गए। शेखपुरा सदर अस्पताल के पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर प्रभारी DM निरंजन कुमार झा ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पटना में हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री RLSP कार्यकर्ताओं पर उन्होंने लाठीचार्ज किया। घटना के आक्रोश में बिहार बंद का विक्रम की सड़क पर व्यापक असर हुआ। विक्रम प्रखंड मुख्यालय के ऐतिहासिक गांधी आश्रम में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की बैठक हुई। वंशीधर नगर में आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ गुलाब हॉस्पिटल में किया गया। कांडी में पतीला गांव के ग्रामीणों ने पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है और कांडी थाने के हवाले कर दिया। पलामू के मोहम्मदगंज में कांग्रेस नेता आनंद प्रताप सिंह ने इलाके का दौरा किया। पलामू के पाकी में JVM के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम को लेकर 2 दिवसीय दौरा किया। सगालिम में युवा जागृति केंद्र के अध्यक्ष राजन सिन्हा के नेतृत्व में दर्जनों युवकों ने सदस्यता ग्रहण की। पांडू के डाला कला पंचायत में मुखिया मंजू देवी ने उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाभुकों के बीच गैस चूल्हे का वितरण किया। डाल्टनगंज में पूर्व मंत्री स्वर्गीय अवधेश सिंह के पुत्र प्रफुल्ल हुसैनाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे।
कोडरमा चंदवारा थाना की पुलिस ने लंबे वक्त से फरार चल रहे प्रेमी प्रेमिका का मंदिर में विवाह करवाया। कोडरमा के चंदवारा में फोरलेन पर मल्टी पर्पस जिम का उद्घाटन किया गया। बरही विधायक मनोज कुमार यादव ने जिम का उद्घाटन किया। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में स्वीप कार्यक्रम के तहत रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। इसमें पुराना थाना चौक से लेकर मध्य विद्यालय तक स्कूली बच्चों ने एक रैली निकाली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के सभागार में बीडीओ मिथिलेश कुमार चौधरी की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चुनाव से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के बाराडीह खेल मैदान में चल रहे नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के मदनगुंडी पंचायत में यूथ कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के साथ पार्टी को मजबूत बनाने का फैसला किया गया। कोटाल पोखर के ढाटापाड़ा गांव के मध्य विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पलामू के पाकी में किसान इंटर कॉलेज के अनुसेवक परमदेव सिंह की मौत हो गई है, जिसे लेकर कॉलेज के कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखा। पलामू में हुसैनाबाद के लोहबांध गांव में जलसा का आयोजन किया गया। जलसा में गांव के ग्रामीण काफी तादाद में शरीक हुए। मनातू में बीडीओ रवि प्रकाश और चंद्रशेखर कुमार ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। मेदिनीनगर में पलामू उपायुक्त डॉ. शांतनु अग्रहरि ने माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव से मुलाकात की और ऑपरेटिव प्रमाण पत्र सौंपा। गढ़वा के भवनाथपुर सेल आरएमडी खदान समूह में कार्यरत 6 से ज्यादा सेल कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। वंशीधर नगर प्रखंड के भोजपुर पंचायत के पंचायत सचिवालय में चोरों ने सेंधमारी करते हुए सारा सामान चोरी कर लिया। गढ़वा में कांडी में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रखंडवासियों को वीवीपैट की जानकारी दी गई। गढ़वा में कांडी के मां सतबहिनी झरना तीर्थ और पर्यटन स्थल विकास समिति के कार्यालय में समिति की बैठक की गई। बंशीधर नगर प्रखंड के बिलासपुर गांव में आग लग गई है। आग लगने से एक पशु बुरी तरीके से झुलस गया। बंशीधर नगर प्रखंड के बारूदीह गांव में 15 दिनों से ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से अंधेरा है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एनजीटी की ओर से साहिबगंज के टीसी एसपी और जिला खनन पदाधिकारी को 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही ट्रिब्यूनल ने 19 फरवरी को सभी अधिकारियों को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया। तालझाड़ी प्रखंड के सकरी गली रेलवे साइडिंग में ग्रामीणों ने रेलवे साइडिंग में चलने वाली गाड़ियों पर रोक लगाने की मांग की। लोगों का आरोप है कि दिन रात गाड़ियों के चलने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मंडरो प्रखंड अंतर्गत चड्डा एंड चड्डा कंपनी के मारी कुटी पहाड़ के सरकारी जंगल से डंपिंग किया हुआ 36 पीस सखुआ की सिल्ली बरामद की गई। साहिबगंज के मुक्तेश्वर धाम घाट पर आज सुबह से ही मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
साहिबगंज शहर के एनआरपी सेंटर स्कूल वार्षिक समारोह का यहां पर आयोजन हुआ। उटाल पोखर के झारना टोला में संचालित आंगनबाड़ी हमेशा बंद रहता है। आंगनबाड़ी में कचरे का ढेर लगा हुआ है लेकिन अधिकारी सुधी नहीं लेते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।